हाय गाइस, आई एम पोलोमी एंड वेलकम टू आपकी मंजिल। तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट निकलने के बाद जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि उनको अपना डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिल पाया है क्योंकि एग्जामिनेशन तो हुआ ही नहीं, और इस वजह से उनको अपने अंडर ग्रेजुएशन में अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ एडमिशन लेने में भी दिक्कत हो सकता है, तो आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा न्यूज है। जी हाँ, न्यूज कुछ ऐसा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU अपने खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने का डिसीजन लिया है। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन भरना है वो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है JNU के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें। तो वो स्टार्ट हुआ है 27 जुलाई से लेके 27 अगस्त तक चलेगा, शाम के 5 बजे तक। तो लगभग आपके पास 1 महीना तो है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लास्ट मोमेंट के लिए मत बचा के रखिए, जल्द से जल्द भर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म ताकि लास्ट मोमेंट में कोई सर्वर प्रॉब्लम या किसी भी चीज के वजह से आपके एडमिशन रुक ना जाए, ठीक है। तो ये जो एग्जाम होगा इसका डेट फिलहाल के लिए बताया गया है कि 20 से लेकर 23 सितंबर तक चलेगा, और ये एग्जाम कंडक्ट कौन करवाएगा, ये NTA करवाएगा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये एग्जाम जो होगा ये CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि पूरा MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 3 घंटा के एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपके जो सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं उसमें किस दिन एग्जाम होगा ये सब आपको बाद में मिल जाएगा, सभी डिटेल्स, और इसका सिलेबस वगैरह भी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बाद में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग अलग से वीडियो भी बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एग्जाम है आप इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है, अभी से, ताकि ये मौका आपके हाथ से बिल्कुल ना छूटे, और एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में, एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आप बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज एक्वायर करके एक अच्छा सा करियर बना सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर फॉर्म फिलअप में कोई भी दिक्कतें आते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो पूरा आपको दिखाया जा सके, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, बाय।